हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट। स्टूडेंट्स, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा द्वारा यूजी प्रोग्राम की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। जैसा कि आप यहां मैंने भी अपडेट दिया हुआ है, आप यहां देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी, तो जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आप सब यूजफुल इम्पोर्टेंट लिस्ट में सबसे पहले आप नोटिफिकेशन यहाँ देख लीजिए। तो मैंने यहाँ खोला हुआ है, आप पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ क्लिक करके देख लेंगे। तो जैसे ही खोलेंगे आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन होकर आएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सूचित किया जाता है कि मेगा सूची 16/6 को प्रकाशित की जाएगी। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर प्रकाशित की जा रही है, इस पर प्रकाशित की जा रही है। साथ ही बताया गया है कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अपने अपने इसमें दिनांक 16/6 होना चाहिए, 5/6, 16/6 के नामांकन निश्चित रूप से प्रारंभ कर ले ताकि छात्र छात्राओं को परेशानी न हो। साथ ही आपको बताया गया है कि आप लॉगिन करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आपको देख लेना है कि आपको किस कॉलेज में आप नामांकन फीस जमा कर रहे हैं, यानी एडमिशन फी किस कॉलेज में जमा कर रहे हैं। तो आप जैसे ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट नामांकन आने पर छात्र महाविद्यालय के अंकित प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी तो आप वहां प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन के माध्यम से महाविद्यालय में, तो पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेज में जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और उनका नाम उसके उपरांत कन्फर्म, उसके बाद आपका नाम जो है वहां कन्फर्म होगा। एक बार अगर शुल्क आपका जमा हो जाता है तो उसकी वापसी नहीं होगी। साथ ही आपको ये 20/6 तक लास्ट डेट है, और वैसे स्टूडेंट के लिए भी बताया गया है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि उक्त तिथि के पश्चात प्रथम सूची के चयनित छात्र छात्राओं को नामांकन के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो आप 20 तारीख से पहले जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं जाएंगे तो उनको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही संबंधित प्राचार्य अपने अपने विद्यालय में दिए गए नामांकन का अपडेट प्रतिदिन पोर्टल पर कर देंगे। साथ ही कॉलेज को ही बताया गया है कि इससे रिलेटेड आप डेली अपने पोर्टल पर अपडेट कर देंगे। तो आज के आरा के पेपर में भी ये आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉलेज में स्नातक एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू, तो नोटिफिकेशन के से ही रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है जो नोटिफिकेशन में दिया है। फिर भी आप अगर चाहें तो इसको भी पढ़ लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पेपर कटआउट का भी, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप वहां नोटिफिकेशन सेक्शन में यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ही पढ़ सकते हैं। सेम चीज ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत प्रथम सेमेस्टर की 16 जून से 20 जून तक दाखिला लिया जाएगा। इस बार दाखिले को आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस विद्यार्थी को पहली मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज आवंटित होगा उन्हें वो हर हाल में एडमिशन लेना होगा। अगर वो वैसा नहीं करते हैं तो दाखिले से वंचित हो जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें सेकेंड या आगे की मेरिट लिस्ट में मौका नहीं दिया जाएगा। पहली मेरिट लिस्ट में 31,000 विद्यार्थियों का नाम जारी किया गया। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रणविजय कुमार के अनुसार विद्यार्थी मनचाहा कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतजार नहीं करेंगे। मेरिट लिस्ट मेरिट विद्यार्थियों द्वारा चुने गए कॉलेज में विकल्प के आधार पर जारी होगा। मालूम हो कि मेरिट में जिनका नाम आएगा वो ऑनलाइन ही दाखिला ले सकेंगे। इसके तहत पेमेंट आवंटित कॉलेज में ऑनलाइन करेंगे। इसके बाद कागजात का सत्यापन कॉलेज में कराएंगे। तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। साथ ही छात्र कल्याण अध्यक्ष ने बताया कि मेरिट नामांकन पोर्टल पर ही जारी की गई है। कॉलेज शुक्रवार से ही एडमिशन लेना शुरू करेंगे ताकि विद्यार्थी को कोई परेशानी न हो। छात्र छात्राएं पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उन्हें किस कॉलेज में नामांकन शुल्क जमा करना है। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो आप फर्स्ट पहले देख लेंगे कि आप कौन से कॉलेज के लिए फी पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद ही आप सत्यापन कराएं। बताया कि उसके बाद दाखिला सही माना जाएगा। मालूम हो कि इस बार राजभवन की गाइडलाइन के तहत 30 जून तक एडमिशन पूरा करने का लक्ष्य है। तो जैसा कि आप लोग को जानकारी भी होगी कि राजभवन के द्वारा यह आदेश पत्र जारी किया गया है कि 30 जून से पहले राज्य के सभी विश्वविद्यालय जो है अपना नामांकन पूरा कर लें सत्र 2023-27 के, और स्नातक की कुल 1,10,000 सीट पर एडमिशन होना है। इसमें से 1,18,035 विद्यार्थियों ने आवेदन दिया।